अचानक रानी के मुंह पे खून की कुछ बूंदे गिरती है। वो डर जाती है और उठ के बैठ जाती है। सुनो सुनो, उठो, ये देखो, खून ऊपर से गिर रहा है। राजू और रानी दोनों ऊपर देखते हैं। एक बहुत घने जंगल में एक बहुत पुरानी होटल बनी हुई थी, जहां अक्सर वहां के मुसाफिर लोग ठहर जाते थे। लेकिन माना जाता था कि वहां के कमरा नंबर 420 में कोई भी अगर रहने जाता है तो वापस जिंदा नहीं आता। इसलिए मैनेजर ने उस कमरे को बंद कर रखा था और उस कमरे पे एक बहुत बड़ा ताला लगा रखा था। और वही कुछ दूर एक गांव में एक परिवार रहता था, राजू और रानी का, जो अपने दो बच्चे पिंकी और गोलू के साथ रहते थे। एक दिन, मम्मी हमारी छुट्टियां लग गई है स्कूल की, चलो कहीं बाहर चलते हैं ना, सब बच्चे कहीं ना कहीं जाते हैं, हमें भी जाना है। हाँ हाँ चलो ना मम्मी पापा प्लीज। सुनिए ना, चलो। अच्छा कल ही चलते हैं मेरी रानी दिल्ली, सामान पैक कर लो, तैयारी करो। दोनों बच्चे तैयार होकर बहुत खुश होते हैं और जाने की तैयारियां भी हो जाती है। चारों कब से गांव के मोड़ पे खड़े होते हैं, लेकिन टांगा नहीं दिखता। तो बहुत देर इंतजार करने के बाद, बच्चों मुझे लगता है हमें कुछ दूर पैदल चलना चाहिए, तब तक शायद टांगा भी मिल जाए। पापा कहीं आप हमें पैदल चला चला कर दिल्ली ना पहुंचा दो। सब पैदल चल के थक जाते हैं, लेकिन कोई टांगा खाली नहीं मिलता। तभी अचानक बारिश होने लगती है जोर जोर से। हे भगवान, अब इसी की कमी थी, अब क्या करें, ऐसे तो हम भीग जाएंगे। फिर राजू इधर उधर नजर घुमाता है तो उन्हें वही पुराना होटल दिखता है जंगल के बीच। तो वो सोचता है परिवार के साथ यहाँ आधे जंगल में टांगे का इंतजार करने से बेहतर है आज रात यही रुक जाते हैं। यही सोच के राजू उस होटल में ले जाता है अपने परिवार को। सॉरी सर, यहाँ एक भी रूम खाली नहीं है, अभी वेकेशन टाइम है, सो काफी रश है घूमने वालों का, सो होटल फुल है। राजू और उसका परिवार दुखी होके बाहर जाने लगता है। तभी पिंकी की नजर उस कमरे पे गई, जहाँ बड़ा ताला लगा हुआ था। पापा पापा देखो, वो रूम तो खाली होगा, तभी ताला लगाया हुआ है, जरूर स्पेशल कमरा होगा, इसीलिए नहीं दे रहे हमें। सुनो जी, रात हो गई है, अब कहाँ जाएंगे बच्चों को लेकर, मैनेजर को बोल के कोशिश करो ना। जो हुकुम मेरी रानी, अभी जाता हूँ। राजू मैनेजर के पास जाकर उसे पैसे देते हुए कहता है, मैनेजर साहब ये लीजिए एक्स्ट्रा पैसे, हमें वो ताला लगा हुआ स्पेशल कमरा दे दीजिए। अब आप समझिए, पत्नी का हुकुम है तो मानना तो पड़ेगा। लेकिन सर वो कमरा कैसे? सर आप ये क्या कर रहे हैं, आई हुई लक्ष्मी कोई ऐसा ठुकराता है क्या? अरे ले लो ना, क्या पता इतने साल हो गए उस चुड़ैल को वहाँ पंखे पे बैठ बैठ के, अब तक तो थक गई होगी, जरूर कहीं और चली गई होगी। ये लीजिए स्पेशल कमरे की चाबी आपकी, और आपके परिवार की तकलीफ मुझसे देखी नहीं जा रही, इसीलिए दे रहा हूँ आपको ये कमरा। राजू और उसका परिवार खुश हो जाता है और मैनेजर वेटर को बोल के उस कमरे की सफाई करवा देता है। सब लोग उस कमरे में जाते हैं और सब सो जाते हैं। आधी रात को करीब 2 बजे अचानक रानी के मुंह पे खून की कुछ बूंदे गिरती है। वो डर जाती है और उठ के बैठ जाती है। सुनो सुनो, उठो, ये देखो, खून ऊपर से गिर रहा है। राजू और रानी दोनों ऊपर देखते हैं तो वहाँ एक चुड़ैल पंखे पे बैठी हुई होती है, जिसके मुंह से खून निकल रहा होता है। वो देखकर दोनों चिल्लाते हैं जोर जोर से। बच्चे भी उठ जाते हैं और डरने लगते हैं।
वहाँ बाहर होटल का मैनेजर और वेटर भी डर के टेबल के नीचे बैठ जाते हैं। मालिक, लगता है वो चुड़ैल गई नहीं अभी तक। अब क्या करेंगे, ये लक्ष्मी जो आई है कहीं हमारे होटल को बंद ना करवा दे। वहाँ डर के मारे पूरा परिवार घबरा के कंबल के अंदर बैठ जाता है। तभी चुड़ैल की आवाज आती है। भला ऐसे कौन कंबल के अंदर छिपता है, बाहर निकलो वरना मैं भी आती हूँ कंबल के अंदर। अब आए ना चूहे बिल के बाहर, चलो अब बताओ किसे खाऊं मैं पहले। मुझे खा जाओ। नहीं, मुझे नहीं, तुम्हारे हुकुम के बिना मैं नहीं रह सकता। नहीं, मुझे। चुप करो तुम दोनों। तुम दोनों ने तो मुझे मेरे पति की याद दिला दी, जब मैं और मेरे पति हनीमून पे यहाँ आए थे। लेकिन जैसे ही मेरे पति ने पंखा शुरू किया, शॉर्ट सर्किट हुआ और मेरे पति मर गए। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। चुप कर, आगे सुन। तब इस मैनेजर ने अपनी गलती नहीं मानी कि कमरे के पंखे के वायर लूज थे। उसने सारा इल्जाम हम पे डाल दिया। बाद में मुझे धक्का मार के इस होटल से निकाल दिया। और जब मैं यहाँ से जाने लगी, मैं पति के मरने के गम में अपनी सुध-बुध खो चुकी थी। तभी सामने से एक गाड़ी आई और उसे मैं टकरा के मर गई। तब से मैं चुड़ैल बन के यहाँ पंखे के ऊपर रहती हूँ। भगवान आपकी आत्मा को शांति दे। मेरी आत्मा को शांति उस मैनेजर के मरने के बाद मिलेगी, अभी नहीं। और तुझे भी अगर नहीं मरना तो किसी भी तरीके से मैनेजर को यहाँ लेके आ। इसका मतलब हम सबकी जान उस मैनेजर के हाथ में है। वो आएगा तो हम बचेंगे, जैसे वो जादूगर की जान एक तोते में होती है। सही कहा। राजू बाहर जाता है और जोर जोर से चिल्लाता है, खजाना मिल गया मुझे, खजाना देखो देखो, ये खजाना मेरा होगा, इस कमरे का सारा खजाना मेरा होगा। मैनेजर ये सुनकर भड़क जाता है। ये होटल का मालिक और मैनेजर मैं हूँ, तो ये होटल मेरा है और इसके कमरे भी मेरे हैं, मैं लूंगा खजाना। और जैसे ही मैनेजर जाता है, पंखे के ऊपर की चुड़ैल मैनेजर के ऊपर कूद जाती है और उसे मार डालती है। उसके बाद वो हमेशा के लिए गायब हो जाती है। और फिर राजू और उसका परिवार उस होटल से चले जाते हैं। और अब वो कमरा नंबर 420 हमेशा के लिए खुल जाता है।